लग रही है, रिपोर्ट शुरू हो गई है वीडियो की, इसलिए मैंने पहले बताया था रिपोर्ट लगेंगी। रिपोर्ट लगा उससे पहले अपनी बात शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो भाई मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी, गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोला था इस सरकार ने, बोला था झूठ, बहुतों ने बोला था गलवान घाटी पे एक बार बोल करे गए थे। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ, वहां पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? वो वहां पर अपने बंकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? सरकार का पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। झूठ नंबर एक। झूठ नंबर दो, पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दी है, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा मुठभेड़ हुई थी, जवान शहीद हुए हैं, कौन जवाब देगा भाई उनका? जो 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे। क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों के ऊपर राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा आवाज, वो मत कर, ये मत ना बोले, सरकार के खिलाफ मत बोल। क्यों नहीं बोले भाई सरकार के खिलाफ? अगर ये सरकार जब तक सैनिकों के ऊपर राजनीति करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवाती रहेगी, बिना बात के, कोई वो नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब आज तक? नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाए ना? श्रीलंका छोटा सा देश, जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, जेंड कैसे पकड़ के ले गए थे लोगों को, जेंड के तक उसके तार ढूंढ दिए थे उन्होंने अगले ही दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर जेंड कैसे जो उधर के मुजरिम थे ना, उनको पकड़ के ले गए थे और देना पड़ा था इंडिया को। और पुलवामा की जांच आज तक नहीं, 2-2.5 साल हो गए, उसकी जांच की आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी। कितना ही चिल्ला लेना, कोई जांच नहीं होगी इसकी। झूठ नंबर दो, पहला झूठ गलवान घाटी पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ, जो है 1983 पीटीआई टीचर निकाले थे, इनको नहीं लिया। अभी 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, 6,000, ध्यान से सुन लेना, 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, जिनको की नोटिस दे दिया गया है। 6,000 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे हरियाणा के अंदर से। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई आवाज उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? नंबर सबका आएगा, बहुत पहले बताई थी मैंने, नंबर सबका आएगा। 1983 पीटीआई टीचर आज तक रोड के ऊपर बैठे हैं, अब इनके साथ 6,000 जेबीटी टीचर बैठ जाएंगे।